हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेंड एंड स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। बारबेक्यू नेशन, देखिए कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन है, बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, लोगों की फेवरेट है और ये अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर लोगों को लाइव बारबेक्यू का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा अट्रैक्शन है लोगों का इनके रेस्टोरेंट के अंदर। 2006 में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 147 आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया इन 77 सिटीज। और इस कंपनी का आईपीओ कल आने जा रहा है, यानी कि कल से शुरुआत हो जाएगी 24 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 तक के मौका आपके हाथ में 3 दिन का कि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बारीक जानकारियां इस वीडियो के अंदर इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में आपको देना चाहूंगा, जिससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपको इस आईपीओ के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले मैं कंपनी की जानकारी देता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस मत कीजिएगा, ये वो कंपनी है जिसको राकेश झुनझुनवाला बैक करते हैं। जी हाँ, 2% से ज्यादा की हिस्सेदारी यहाँ पर हमारे एस इन्वेस्टर जो है इंडिया के, राकेश झुनझुनवाला, उनका भी देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छा बड़ा स्टेक है। चलिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी और ब्रीफ जानकारियां देता हूं इस कंपनी के बारे में एंड फिर पूरी डिटेल के साथ में देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रे मार्केट प्राइस क्या कह रहा है बारबेक्यू नेशन का और कितने प्रीमियम के ऊपर इस वक्त लिस्टिंग प्राइस से हमें यहाँ पर जीएमपी दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये है barbecuenation.com, यानी कि इनकी वेबसाइट जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए इनका बिजनेस के ऊपर जो एक नेगेटिव इंपैक्ट आया था लास्ट ईयर, उसको अब ये काफी अच्छी तरीके से रिकवर करने लगे हैं। और इसी की वजह से देखिए पहले कोविड से पहले लगभग 3% बिजनेस इनका डिलीवरी से आया करता था, जो अब बढ़कर 15% हो गया है, यानी कि 3% से सीधे 5 गुना हो गया है। 15% बिजनेस इनका डिलीवरी से आ रहा है एंड रेस्ट ऑफ दी जो इनका बिजनेस है वो डाइनिंग से आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है चीजें समझना। और ये देखिए कंपनी जो है वेज एंड नॉन वेज क्यूजींस आपको प्रोवाइड कराती है, काफी अच्छे इनके आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, जिनके अंदर देखिए आप जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली इसके कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और उसी के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या इस कंपनी के अंदर आपको पैसे लगाने चाहिए आईपीओ में या फिर नहीं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर। देखिए कैजुअल डाइनिंग चेन बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटीज आईपीओ विल ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन मार्च 24, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। और ये बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी जो है, देखिए इनके पीछे कौन है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर सीएक्स पार्टनर्स एंड रिनाउंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट फर्म एल्केमी कैपिटल, ये इनके पीछे दो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स आप देखिए क्या कुछ यहां पर दिया गया है। बारबेक्यू नेशन आईपीओ प्राइस बैंड फिक्स एट 498 रुपीस टू 500 पर इक्विटी शेयर फॉर इट्स इनिशियल शेयर सेल आईपीओ, 498 रुपए से 500 रुपए तक का इनका लिस्टिंग प्राइस रह सकता है। द 3-डे बारबेक्यू आईपीओ पब्लिक इश्यू विल कंक्लूड ऑन मार्च 26, 26 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। आईपीओ के अंदर पैसे लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सुबह 10 बजे से लेकर और 5 बजे तक का टाइम होता है उन्हीं दिनों के अंदर जब ये आईपीओ खुला रहता है। तो आप अपनी मोबाइल ऐप से, अपने ब्राउजर से या फिर अपनी वेबसाइट से, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आईपीओ के लिए। और देखिए सिंपल एंड फास्ट आईपीओ एप्लीकेशन के लिए आप अपस्टॉक्स के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करें और बहुत ही जल्द यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे बहुत आसान है आईपीओ के अंदर अप्लाई करना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए द इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ कंप्राइजेस ए फ्रेश इशू ऑफ 180 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 54,57,470 इक्विटी शेयर्स। जितना भी बड़ा ये आईपीओ है उसके अंदर से 180 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स है एंड रेस्ट जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जैसे कि हमें पता ही होता है। और इसके अंदर से इतने शेयर्स एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स बेच देंगे। इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू ₹2 करोड़ हैज बीन रिजर्व फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज, जैसे कि यहाँ पर रूल्स हैं। एट द अपर प्राइस बैंड द आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू फेच 453 करोड़, यानी कि 453 करोड़ का एक कंप्लीट आईपीओ होगा, जिसमें से 180 करोड़ का होगा यहाँ पर फ्रेश इश्यू। द कंपनी हैज ऑलरेडी रेज 150 करोड़ थ्रू एन प्री आईपीओ प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सपोनेंशिया कैपिटल एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स। यहां पर इंपॉर्टेंट समझना, प्री आईपीओ सेशन के अंदर ही
150 करोड़ रुपए कंपनी ने रेस कर दिए हैं। और देखिए एक्सपोनेंशिया कैपिटल एंड जुबिलेंट फूड वर्क जो ऑलरेडी डोमिनोज पिज्जा को ओन करती है, ऐसी कंपनी इस कंपनी के अंदर पैसे लगा रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस कंपनी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू विल बी यूटिलाइज्ड टू फंड द कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन एंड ओपनिंग ऑफ न्यू रेस्टोरेंट्स बिसाइड प्री पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जो देखिए यहाँ पर पैसा आएगा इस इश्यू से उसको कंपनी के एक्सपेंडिचर में यूज किया जाएगा, इसके एक्सपेंशन के लिए न्यू रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग कर रखी है उसका प्रीपेमेंट या फिर रीपेमेंट किसी सर्टेन पार्ट का करने के लिए यूज किया जाएगा। द कंपनी इज प्रमोटेड बाय सायाजी होटल, सायाजी हाउसकीपिंग सर्विसेज, कयूम धनानी, राउफ धनानी एंड सुचित्रा धनानी एंड इज बैक्ड बाय सीएक्स पार्टनर्स व्हिच मेड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन 2013 एंड अगेन इन 2015। सीएक्स पार्टनर्स देखिए वो कंपनी है जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर बेसिकली पहले इन्वेस्टर थे 2013 में और उसके बाद में 2015 में दोबारा भी इन्वेस्टमेंट किया। द प्रमोटर्स होल्ड 60.24%, जो प्रमोटर्स के मैंने अभी ऊपर नाम लिए उन्होंने 60.24% की स्टेक इस कंपनी के अंदर बना रखी है। सीएक्स पार्टनर्स जो इनके इन्वेस्टर है उनके पास में 33.79% की यहां पर स्टेक है एंड झुंझुनवाला इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एल्केमी कैपिटल होल्ड 2.05% ऑफ द कंपनी। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए प्रमोटर्स के पास में कितना है, इन्वेस्टर्स के पास में कितना है एंड एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला की कंपनी का स्टेक इस कंपनी में कितना है। द टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन फिस्कल ईयर 2020 वाज 850.8 करोड़ एंड द कैगर फ्रॉम FY17 टू FY20 वाज 19.5%। पिछले 3 सालों का जो रेवेन्यू कैगर है वो 20% है, यानी कि तकरीबन 3.5 साल के अंदर इनका रेवेन्यू डबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को समझना। तो 3.5-4 साल के अंदर कंपनी अपने रेवेन्यूज को डबल कर लेती है, तो इससे ज्यादा बड़ा ग्रोथ मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, देखिए यहां पर बात हो रही है सेल्स की, क्योंकि अभी कंपनी देखेंगे तो एक तरीके से एक नई कंपनी है और लगातार लॉस के अंदर चल रही है। अगर देखिए करंट फिस्कल ईयर का आप लॉस देखेंगे तो इनको बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि पिछले साल बहुत कम काम कंपनी ने किया है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी के जिनका आईपीओ आ रहा है अब कल। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज ऑफ दिसंबर 2020 बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी ऑपरेट्स 147 आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया एंड 6 आउटलेट्स अक्रॉस 3 कंट्रीज UAE, ओमान एंड मलेशिया। तो यहाँ पर 3 और कंट्रीज के अंदर इनके कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस तरीके से कंपनी की प्रोफाइल है जिसमें देखिए आप डेफिनेटली चाहें तो आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये है कंपनी के मेजर पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जीएमपी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस कंपनी के लिए जीएमपी यानी कि डब्बा बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही है और बहुत कम लिक्विडिटी के चलते डब्बा बाजार ऑपरेटर्स ने यानी के जो ग्रे मार्केट के ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इसको ट्रेड करने से मना कर दिया, यानी कि ट्रेड इसके अंदर नहीं हो रही है। इसलिए इसका कोई भी करंट में ग्रे मार्केट प्राइस नहीं सामने आया है। इसलिए देखिए ये एनालाइज करना कि इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स कहां तक हो सकते हैं, कितने प्रीमियम पर अभी ग्रे मार्केट प्राइस है वो बताना मुश्किल है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए यहां पर बेसिकली आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं उनके लिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस कंपनी के बेसिकली देखेंगे रिजर्व्स एंड एसेट्स तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपनी लगातार लॉस कर रही है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन ये भी चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई कंपनीज होती हैं, वो स्टार्टिंग के 10 से 12 साल लॉस में रह सकती हैं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कंपनी को जरूरी होता है एक्सपेंशन करना, जो यहां पर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने करके दिखाया है। अक्रॉस 77 कंट्रीज ये इंडिया के अंदर कामकाज कर रहे हैं और अब देखिए जब इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, मार्केट में कंपनी आएगी तो डेफिनेट सी बात है वॉल्यूम्स के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आती हुई आपको देखने को मिल सकती है आने वाले सालों में। तो ये डिटेल है इस आईपीओ के अंदर और मैं समझता हूं कि देखिए यहां पर इस आईपीओ के अंदर पैसे लगाने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो लिस्टिंग गेन होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि एक ब्रांड ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है।
तो उसकी वजह से भी लिस्टिंग गेन होंगे, लेकिन कितने होंगे ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो देखिए ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस आईपीओ के बारे में जो कि है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी का, और ये खुल रहा है कल 24 तारीख से आने वाली 26 मार्च 2021 तक। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपना अकाउंट खुलवाकर और इजीली आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं आने वाले भविष्य में भी, तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें जो अपस्टॉक्स का लिंक है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन भर के मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि है बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस प्लेटफॉर्म upstocks.com का। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।